हेलो गाइस, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी, लेके आया हूं आपके सामने फ्रेंड्स एसएसआर नेवी का जो प्रैक्टिस सेट जो हमारे पास अभी एग्जाम पेपर हुआ है उससे रिलेटेड वीडियो है। फ्रेंड्स आपके लिए वही क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो अभी जो एग्जाम हुआ है रिसेंटली 31 और 30, मतलब 30 और 31 तारीख को जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन पेपर जो भी कराएंगे आपके लिए सभी का कंबाइंड है फ्रेंड्स। अगर बोला जाए जैसे एक सेंटर से नहीं लिया गया, ये जहाँ जहाँ से हमें मिला है वहाँ से हमें आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रखा है उसने 1/1 + sin x। फ्रेंड्स मैं मैथमेटिक्स का पहले करा रहा हूँ, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भाई इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। जो भी हम क्वेश्चंस कराएंगे सबको सॉल्व करके कराएंगे आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने, तो उसमें भी आपके लिए बताया गया है कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, तो इसके अपोजिट मतलब 1 - sin x से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। तो देखिए कॉपी पर सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए आपको मैं फर्स्टली बता दूँ आपके लिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा दोनों को एक साथ, ठीक है। तो समझिएगा, पहले मैं दिखाऊंगा साइन वाला फिर दिखाऊंगा कॉस वाला। तो देखिए गाइस फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, आप देख पा रहे होंगे। अब देखो ये क्या बनेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये तो यही रहेगा, लेकिन ये क्या बन गया a + b और a - b वाला फॉर्मूला, तो ये स्क्वायर में आ गया। आप जानते हैं ये इसके इक्वल होता है, तो नीचे क्या जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर लिया, मतलब 1 के नीचे रखा पहले हमने कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फिर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे इस बात को कि ये हमारे पास फाइंड होगा ये, और आप जानते हैं इसका डिफ्रेंशिएट सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। अब देखो कॉस वाले को लेकर चलते हैं, कॉस वाला कैसे करेंगे, सिमिलरली कॉस वाला करेंगे सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है। आप जानते हैं 1 - cos, क्योंकि 1 - cos की बात क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो आप फाइंड कर सकते हैं, देखिए कॉस को दे ले जाऊँ तो माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर एक्स के। तो वही हमने सॉल्व किया है, तो आप देख सकते हैं ये आंसर इसका फाइंड हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसका आप सिंपली कर लेंगे, इसका जो आपने पढ़ा होगा प्लस 1 ऐसे ही नीचे होगा 1/3 + 1, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 4/3 और यहाँ भी क्या आएगा 4/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक कॉट का, कॉट का क्या होता है, तो देखिए गाइस कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स, या बोल सकते हैं हम लॉग मॉड कोसेक एक्स, लेकिन यहाँ माइनस का साइन लगा होता है, लेकिन माइनस का साइन हटाएंगे तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं अगर हमारे पास इस फॉर्म में कोई भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे आप बोल दिया जाए अगर लिखा हुआ है लॉग 1/a, हम इसे लिख सकते हैं लॉग ए, कैसे लिख सकते हैं, जब हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे। तो आप समझ पा रहे थे हमारे पास क्या दे रखा था, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आती है माइनस लॉग कोसेक एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स को, लेकिन अगर माइनस का साइन हटाना हो तो हमारे पास क्या होगा, लॉग 1/cosec हो जाएगा, और 1/cosec क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट देखिएगा, ये दे रखा है इसका ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, आराम से फाइंड हो जाएगा, ऐसे इसका फाइंड करना है हमें, इसका डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट आप कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसकी बात करते हैं, इसे कैसे करेंगे, इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा था, हमने क्या किया, 1 ऐड किया अपनी तरफ से, 1 ही सबट्रैक्ट किया है, देख पा रहे होंगे, 1 सबट्रैक्ट किया 1 ऐड किया, ठीक है। और आगे जो हमारे पास ये फॉर्म रखी हुई थी वो तो यहाँ है ही, समझ पा रहे होंगे आप इस बात को। तो देखिए अब देखो ये प्लस प्लस वाले जोड़ दिया तो 2 हो गया, अब ये हमने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस बन जाएगा, इसमें से ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। अब देखो अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ, अलग अलग डिवाइड मतलब 2 के नीचे इसको पहले रखा फिर इसके नीचे इसे रखा, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो देखिए ये माइनस का साइन था तो माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये आपस में कट गया 1 आया, और आप जानते हैं जब हमारे पास 1 का अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, एक्स आता है, तो माइनस साइन ऑलरेडी आगे लगा हुआ है, ये लगा हुआ तो माइनस का एक्स आया। अब देखो इसके हमने अभी आपके सामने 2 कॉमन ले लिया, अब सॉल्व करके जस्ट आपके लिए दिखाया था, तो आंसर क्या था, ये था। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है 10 7/30, देखिए 7/30 मतलब कैसे, देखिए 360 + 360 मतलब 720 ऑफ 10 यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ होगा कुछ करीब, मतलब इस तरीके से यहाँ पे होगा। आप जानते हैं स्क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 10 मतलब 10 10 मतलब 10 10
डिग्री, ठीक है, ये होगा ऑप्शन में, यही होगा इसका आंसर, वैसे फाइंड करके नहीं दिखा रखा होगा गाइस। देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसको आप सिंपली कर सकते हैं कैसे, देखिए दिखाते हैं। देखिए गाइस ये क्वेश्चन था हमारे पास, हमने एसटीसी वाला फॉर्मूला लगा दिया, एसटीसी वाला आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से हमने क्या किया, इसे अलग अलग ब्रेक करेंगे। तो देखिए टू का मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर, टू को मल्टीप्लाई डिवाइड नीचे कर दिया, तो देखिए ये बाहर ले लिया हमने पास, ये अंदर छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे आगे, अब देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन ए, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला आपने अच्छी खासा पढ़ा होगा। तो यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास हो गया, तो हमारे पास हो गया। अब इसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए या मल्टीप्लाई नहीं करना तो आगे ऐसे रहने दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गाइस उसने बोला था nth टर्म, मतलब nth टर्म ये दे रखी है, और उसने बोला था लगातार 50 जो टर्म हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, मतलब n की वैल्यू पुट करते जाएं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो देखिए n दे रखा है, तो मैं a1 निकालूंगा, तो a1 कैसे निकलेगा, n की जगह 1 पुट कर दीजिएगा 10, ऐसे a2 निकालूंगा, देखिए यहाँ 2 पुट करेंगे तो 6 प्लस 7 क्या होता है 13, ऐसे निकालूंगा a3 तो आएगा 16, ऐसे निकालूंगा A4 तो निकलेगा हमारे पास 19, मतलब आप देख पा रहे हैं डिफरेंस कितने का निकल के आ रहा है, हर किसी में 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास पहला पद क्या निकला था, फर्स्ट पद निकला था इसका 10, ठीक है, और हमारे पास डिफरेंस क्या निकल रहा था इसका बार 3 का निकल रहा है। लास्ट पद भी निकाल सकते हैं उसने 15th पद, तो 15 मतलब 50 पुट कर दीजिएगा तो यहाँ निकलेगा 157, ठीक है। तो आपको बता दूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब सम निकालते तो n अपॉन 2, जब फर्स्ट पद दे रखा हो लास्ट पद दे रखा हो तो ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या थी 50 अपॉन 2। अब देखो पहला पद क्या निकाला था हमने यहाँ 10 प्लस लास्ट पद क्या निकाला था, और आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिएगा हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा 2 से 25 टाइम्स और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है उसने ये वैल्यू दे रखी, उसने आर की वैल्यू फाइंड करवा रहा, तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप जानते हैं, एन पी आर को कैसे खोलते हैं, तो इसे ब्रेक करेंगे फैक्टोरियल 12 अपॉन यहाँ आएगा 12 माइनस का आर फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू दे रखा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इतना समझ गए आप, तो देखिए इतना समझ गए, तो 12 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, और अपॉन में यही हमने यों कहते हैं रख दिया 12 माइनस, ठीक है। तो अब हमारे पास कंडीशन किस तरीके की आती है, देखिए हमारे पास आएगी 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, तो गाइज और नीचे क्या आएगा 12 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू क्या था 1320। तो देखिए अगर मैं इन सबसे काटूंगा तो ये यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 9 फैक्टोरियल इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये ऊपर पहुँच गया, इस तरीके से पहुँच गया। तो गाइस आपको बता दूँ, देखो ये भी फैक्टोरियल है यहाँ भी फैक्टोरियल है, अब देखो 12 में से कितना घटाया जाए कि 9 आ जाए, अगर मैं इसमें से आर की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 के इक्वल आ जाएगी, फैक्टोरियल 9 आएगा आंसर, तो हम बता सकते हैं आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 3। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस इसको आप आराम से सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। कैसे, देखिए पहले क्या करेंगे हम एन जो एम दे रखा है एम के कोफिशिएंट जो इक्वल करेंगे, देखो यहाँ 3 दे रखा है, तो अगर मैं इस नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, देखो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 6, ऐसे 3 का मल्टीप्लाई इन सब में करना पड़ेगा, सभी प्रोडक्ट में 3 का करेंगे तो 18, यहाँ करेंगे तो 6, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यहाँ करेंगे 3 का तो ऐसे आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कट जाएगा आपस में, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा माइनस का 2 तो ऑलरेडी है, लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 6 था, तो क्या आ जाएगा माइनस का ये आ जाएगा n, तो n फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास यहाँ से मैट्रिक्स निकल के आ रही होगी, तो हमारा n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बताऊंगा इसमें क्रॉस कैसे किया जाता है इनका दोनों का आपस में। देखिए क्रॉस कैसे किया जाता है, पहले ए का करेंगे बी के साथ, फिर ए का करेंगे सी के साथ, फिर ए का करेंगे फिर बी का करेंगे बी के साथ, फिर बी का करेंगे सी के साथ, फिर बी का करेंगे इसके साथ, मतलब जिसका हमें करना है देखो आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे करना है। चलिए लेके चलते हैं। तो देखिए गाइस हमने क्या, देखिए इसका करेंगे पहले पहले प्रथम मतलब पहले वाले एलिमेंट का तीनों के साथ करेंगे पहले, फिर दूसरे वाले एलिमेंट का तीनों के साथ, फिर तीसरे वाले एलिमेंट का तीनों के साथ, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से कर रखा है हमने। देखिए ए का बी के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, एक एलिमेंट के थर्ड टर्म आएंगे, फिर दूसरे वाले से थर्ड 3 आएंगे, फिर तीसरे वाले से 3 आएंगे, तो टोटल कितने होंगे 9। ऐसे हम निकालेंगे बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए मतलब बी अब इसे उल्टा करेंगे, मतलब
जो हमने यहाँ से कर रहे थे ऐसे, अब इसको रखेंगे आगे इसके। तो हम क्या करेंगे, पहले बी का इन तीनों के साथ, फिर सी का इन तीनों के साथ, फिर करेंगे इस ए का तीनों के साथ। देखिए हमारे पास आ जाएगा, और आप देखेंगे इन दोनों, इन सब के एलिमेंट जो हैं, इन दोनों के एलिमेंट जो हैं इक्वल हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। क्योंकि इंटरसेक्शन कौन से होते हैं, कॉमन जो होते हैं, तो कॉमन क्या है, ये आपस में सभी कॉमन है, तो हमारा आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो या तो ऐसे दे रखा होगा, अगर आपका आंसर इस तरीके से नहीं दे रखा गाइस, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है ए क्रॉस बी के इक्वल आएगा, मतलब ये वैल्यू ए क्रॉस बी के इक्वल हो सकती है, या फिर और हो सकता है बी क्रॉस ए के, ऑप्शन ये भी हो सकते हैं, तो ये भी करेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेट की फॉर्म में दे रखा, तो सेट की फॉर्म में यही होगा जो हमने आंसर आपको कराया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर क्रॉस की फॉर्म में दे रखा, तो हमारा आंसर यही होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिफ्रेंशिएट करवा रहा है, डिफ्रेंशिएट आप कर देंगे इसका, लॉग 5 होगा, बहुत ही इजी था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसके नीचे जो दो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए गाइस, इसने पूछा x की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए होंगे, तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हों आपके पास, उसमें x की वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। मतलब जो हमारे पास जैसे x की वैल्यू 2 दे रखी है, या 3 दे रखी हो, या 5 दे रखी है, या 4 दे रखी है, तो पहले पुट करके देख लीजिएगा। जैसे हम पुट करेंगे, हमारे जो इसकी वैल्यू इक्वल आ जाती है इसके, वही हमारी x की वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने पूछा चतुर्भुज जो बनने वाला है, इनसे चतुर्भुज बन रहा है, वो समचतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, मतलब किस टाइप का चतुर्भुज होगा, उसका नाम क्या होगा, वो ये पूछ रहा है। तो देखिए गाइस, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों के बीच की मतलब डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की, और फिर इन दोनों के बीच की। अगर इक्वल डिस्टेंस आती है, तो कंडीशन दो बनती है, कौन कौन सी कंडीशन, रोम्बस हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, जब रोम्बस और स्क्वायर की कंडीशन होती है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर आपस में इक्वल हो गई, मतलब ए बी बी सी और सी डी, मतलब ये पूरी क्लियर हो गई हैं, मतलब सभी आपस में इक्वल हो गई हैं। कैसे, फर्स्ट इन दोनों का निकाला, मतलब ये मान लिया ए है, ए पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, पहले ए बी की डिस्टेंस, फिर बी सी की डिस्टेंस, फिर सी ए की, फिर ए डी की डिस्टेंस, अगर इक्वल आ जाती है तो क्या होगा, वो रोम्बस होगा या और स्क्वायर हो सकता है। अब देखो हम पता कैसे करेंगे रोम्बस है स्क्वायर है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा, अगर इसके डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं गाइज, तो क्या बन सकता है वो, जब दोनों के डायगोनल इक्वल आ जाएंगे, मतलब AC और BD जो है इक्वल आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो स्क्वायर होगा। अगर जो उसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं आते, तो क्या होगा, रोम्बस होगा। अगर कंडीशन होती है इसके अलावा कि आमने सामने के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इसमें कंडीशन आती है हमारे पास, ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो इसी टाइप के हमें बताना है। नेक्स्ट देखिएगा इसे कैसे करेंगे, इसे फ्रेंड्स आईलेट से कर लीजिएगा, आईलेट से आराम से फाइंड हो जाएगा। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट आप आसानी से कर सकते हैं इसका, पहले फर्स्ट यो करते हैं, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, फिर सेकंड यो करते हैं, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट देखा है, यू अपन वी की फॉर्म में करेंगे, तो आपको करके दिखा देता हूं इसे। तो मैं देखिए, मतलब यू अपन वी की फॉर्म में क्या होता था हमारे पास आंसर, कैसे करते थे इसका डिफ्रेंशिएट, इसका करते थे हम वी यो करते हो, पहले यू का डिफ्रेंशिएट माइनस, फिर यू यो करते हो, फिर डी जो हमारे पास वी है, वी का डिफ्रेंशिएट, और नीचे वी का स्क्वायर, तो कर दीजिएगा ऐसे ही। तो देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, वी क्या हमारे पास, नीचे वाला x, तो x यहाँ करते हो, पहले log x का, log x का होगा 1/x माइनस, अब देखो u का मतलब जो हमारे पास दे रखा है ऊपर वाली टर्म, ये यहाँ करते हो, ठीक है, फिर x का डिफरेंशिएट, तो क्या होता है 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, जो v दे रखा है इसका स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आता, ये आया ऊपर, हमारा आंसर निकल के आएगा 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, ठीक है, यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दे रखा उसने log, सॉरी डिफरेंशिएट पूछ रहा है e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू x अंडर रूट x। तो देखिए इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे कर लेंगे इस तरीके से लिख लेंगे गाइस, इस तरीके से लिख लेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो इस तरीके से क्यों लिखा, इसमें हमें आसानी होगी करने में, क्योंकि उसने बोला है अगर हमारे पास, देखिए अब मैं इसे कैपिटल x मान लेता हूँ टोटल को, ठीक है कैपिटल x मान लेता हूँ, तो गाइस देखिएगा अगर मैं इसे मान लेता हूँ कैपिटल x, तो हमारे पास बनेगा कैपिटल x मतलब ऊपर क्या है स्क्वायर, मतलब हमने क्या माना अंडर रूट स्मॉल x को मान लिया कैपिटल x के इक्वल, तो उसने क्या बोला था अंडर रूट x के इक्वल, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है विद रेस्पेक्ट टू अंडर रूट x के अकॉर्डिंग क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट मतलब अब हम क्या करेंगे, अभी आप बोल सकते हैं कि कैपिटल x के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए डिफरेंशिएट आप इसका आराम से कर देंगे कि e की पावर तो कैपिटल x ये रहेगा और अपॉन इनटू में क्या आ जाएगा कैपिटल x। अब देखो जो कैपिटल x की वैल्यू थी वो पुट कर दीजिएगा, कैपिटल x की वैल्यू क्या थी, इसके इक्वल मान रखा था हमने स्मॉल अंडर रूट x के, ठीक है ऐसे ही यहाँ पुट करेंगे हम,
तो देख सकते हैं गाइस अंडर रूट की वजह से हट गया, तो हमारे पास वैल्यू आती है इसकी 2√x इंटू e की पावर x। एक्स क्यों आ रहा है ऊपर, क्योंकि अंडर रूट से ये रूट हट गया है, स्क्वायर हट गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 2√x log सॉरी e की पावर x, ये होगा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन दे रखा है गाइस इसको कैसे करना है, ये दे रखा है 1 + 10² x, तो आप जानते हैं 1 + 10² x क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x किसका वो होता है 10x का, 10x प्लस सी। चलिए नेक्स्ट, बाइनोमियल का एक क्वेश्चन आ रखा था फ्रेंड्स, उसमें कोफिशियंट फाइंड करवा रहा था। बाइनोमियल की कोई हमारे पास जैसे इस तरह की कोई फॉर्म दे रखी होगी 1 + ऊपर दे रखा 10, तो उसने कोफिशियंट पूछा होगा किसी भी नंबर का, जैसे बोल दिया उसने 9th टर्म बताइए, 10th टर्म बताइए, या फिर उसके मीडियम टर्म बताइए, ऐसे पूछ लेगा उसको कोफिशियंट क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ी बहुत जीके की बात सॉरी हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं, थोड़ा देखो डायरेक्शन से बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, आप देखो जरा समझिएगा इसमें कितने का डिफरेंस है दोनों में। अगर मैं इसमें डिफरेंस करता हूँ, देखिए 9 * 81 होता है, 9 * 8 = 72 होता है, ठीक है, और 9 * 6 = 54 होता है, 9 * 7 = 63 होना चाहिए, मतलब ये 9 का क्या चल रहा, टेबल चल रहा है 9 का। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे इस बात को। देखिए नेक्स्ट ये दे रखा है AI, तो देखिए ABC आगे क्या होगा D। अब देखो IJK और अगला क्या होगा L, तो देखिए रीजनिंग तो बहुत ही ईजी थी, क्या होगा D और L, DL। नेक्स्ट देखा था ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन भी था फ्रेंड्स, ये हमारे पास रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन ये हमारे पास जो दे रखे हैं वो हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं। तो गाइज मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है, अगर आप क्वेश्चन पेपर दे रहे, मतलब क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल है, आप मतलब पेपर दे के आए हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 07111, तो आप इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बताते हैं हम जीके के क्वेश्चंस। देखिए IQ की फुल फॉर्म आई थी इंटेलिजेंस क्वेटेंट, नेक्स्ट देखा CRM की फुल फॉर्म क्या थी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखा GPS सिस्टम, आपने बहुत सुना होगा GPS सिस्टम है इसमें, जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिएगा MRF क्या है, मद्रास रबर फैक्ट्री। आपने टायर का नाम तो सुना होगा, MRF का टायर आता है, जो हमारे पास जो व्हीकल्स के हमारे पास जो टायर अवेलेबल होते हैं, जो बाइक वगैरह के लिए या बोला जाए कि फोर व्हीलर के लिए, तो MRF के टायर मिलते हैं हमें, जैसे गुड़ियर होता है MRF होता है, वही इसी कंपनी की बात कर रहा है फ्रेंड्स MRF, ठीक है। देखिए गाइस नेक्स्ट दे रखा है, मैंने आपके लिए इससे पहले फुल फॉर्म जो हमें कराई थी आपके लिए वही फुल फॉर्म है गाइस, उससे अलग कोई फुल फॉर्म अभी तक इसमें दिखाई नहीं है। हमने आपके लिए फुल फॉर्म से रिलेटेड एक वीडियो डाला था, उसमें सभी जो फुल फॉर्म है वही इसमें आ रखी है, कोई भी फुल फॉर्म ऐसी नहीं जो इसमें नहीं आ रखी हो या इसमें मतलब इससे अलग आ रखी हो। तो देखिए फर्स्ट देखा ICU की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट, और देखा GMT मतलब आपने देखा होगा GMT मोबाइल होता है, GMT प्लस लिखा होता है कहीं, अपने मोबाइल में अगर टाइम को आपने देखा हो तो कभी कभी लिखा रहता है GMT, तो इसके ग्रीन बीच जो रेखा है ना उससे मतलब है इसका, तो क्या होगा ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। और INS की फिल्म क्या होती है, इंडियन नेवल शिप। आगे देखा LED की फिल्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। नेक्स्ट देखा LED की फिल्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट चलिएगा, ये तो पहले भी आ रखी थी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट देखा ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, CAG की फिल्म क्या होती है, कंपेक्ट रोलर एंड ऑडिटोरियल जनरल। नेक्स्ट रखा है आपने FAO की फुल फॉर्म, देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट रखा है OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, आपने जो देखा होगा OTA जैसे NDA CDS और OTA हमारे पास उसी में ही होता है OTA CDS के साथ। नेक्स्ट देखिएगा WIT की फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट्स। नेक्स्ट देखिएगा AWACS, ठीक है, एयरबॉर्न वार्मिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट तरीके UAE के यूनाइटेड अरब एमिरेट। नेक्स्ट रखा है SAPTA, ठीक है, इसके फॉर्म इसे बोलते साप्टा बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है इसका, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट तरीका है आपने चाइना, देखो चाइना से संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी इससे पहले भी क्वेश्चन जो आया था हमारे पास प्रैक्टिस सेट जो सॉरी बोल सकते हैं जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी हमारे पास चाइना से संबंधित क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिला था। तो गाइज आप इससे पता लगा सकते हैं कि ज़्यादातर फुल फॉर्म और क्या बोल सकते हैं मुद्रा
जो उनके मुद्रा और प्रेसिडेंट वगैरह और जो खेल वगैरह से संबंधित क्वेश्चन, खासकर और बात कर सकते हैं नृत्यों से संबंधित, जो लोक नृत्य हैं या शास्त्रीय नृत्य हैं, इनसे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं गाइस। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। देखो चाइना, चाइना के बारे में पूछो, चाइना का प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। नेक्स्ट रखा है डल झील, डल झील कहाँ पे है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर। गुजरात की राजभाषा, देखिए राजभाषा के बारे में पहले, इससे पहले भी आया था एक, ठीक है, जो मिजोरम की बात कर रहा था, ठीक है। अब देखो राजभाषा यहाँ की गुजरात की कहाँ क्या है? गुजराती है। देखिए फर्स्ट इंडियन नोबल पुरस्कार किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया गाइस। अब देखिए बहरीन की मुद्रा, देखो यहाँ भी मुद्रा पूछा, बहरीनी दिनार। उपराष्ट्रपति की, देखिए बात करें उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है। अब उपराष्ट्रपति काम कब करता है? जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होता तब करता है उपराष्ट्रपति काम। देखिए अब देखा है प्रो कबड्डी, ठीक है, प्रो कबड्डी लीग जो सेशन था 5, तो उसमें मतलब विनर कौन सी टीम थी? पटना की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा साउथ अफ्रीका की मुद्रा रैंड। देखिए अब बात कर सकते हैं कि हर बार मतलब कोई कोई मुद्रा पूछी जा रही है, ये गाइज आपको बता दूं एक ही सेंटर से लिया गया पेपर नहीं है ये, मतलब हर जगह से, जहाँ से मेरे पास मेरे भाई लोगों ने जो भी व्हाट्सएप किया है उनका हम क्वेश्चन आपके लिए करा रहे हैं। देखिए अब देखा है अभयगढ़ समाधि स्थल है, मतलब मोरारजी देसाई, उनकी क्या है यहाँ पर? समाधि है। नेक्स्ट देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी फ्रेंड्स। रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहा है ये नहीं कर रहा कि रेडियो मतलब रेडियम के मतलब जो हमारे पास था तो रेडियम की खोज किसने की थी? इसके अंदर रेडियम रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? देखिए खुदीराम बोस। नेक्स्ट देखा है शाहजा कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। हॉटलाइन क्या होती है? संचार का एक माध्यम होता है, हॉटलाइन संचार का एक माध्यम होता है, उसे बोलते हैं हॉटलाइन। देखिए राफ कहाँ कहाँ नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। सबसे अधिक परमवीर चक्र किस रेजिमेंट को मिले हैं या किस बटालियन को मिले हैं? जैसे आप जानते हैं जाट रेजिमेंट होती है, राजपूत रेजिमेंट, मतलब हर किसी का एक रेजिमेंट होता है, तो इसमें 18 ग्रेनेडियम। टीबी रोग फैलता है, बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। लीबिया की मुद्रा, देखिए यहाँ फिर दोबारा से लीबिया की मुद्रा, तो क्या है? लीबियाई दिनार। कैप्टन हॉकिंग किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के में आए थे। डेनमार्क की देखो फिर मुद्रा पूछ लिया उसने, डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो डेनिस क्रोन। देख कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। 2020 ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे? टोक्यो जापान में। गांधी जी ने कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में की थी, वेलगांव के। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ खेले गए थे फ्रेंड्स? स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट देखिए फोर्ड विलियम कॉलेज किस नदी के किनारे है? हुगली नदी कलकत्ता में। और देखिए जैसा इसका नाम है फोर्ड विलियम, तो उससे समझ जाना चाहिए कैसे, क्योंकि अंग्रेजों ने ज़्यादातर अपनी दहाक जमाई थी, तो कहाँ पर जमाई थी ज़्यादातर इन्होंने कोलकाता में ही कारोबार स्टार्ट किया था अधिकतर। देखिए नेक्स्ट रखा इसने काली गोपाल नृत्य कहाँ का है? तो आसाम का है। नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, देखिए फिर दोबारा से मुद्रा पूछ ली, डॉलर है। हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। बोलीविया की मुद्रा फिर से देखिए आप, मतलब कोई ना कहीं किसी न किसी कंट्री का हमेशा हर बार वो क्या कर रहा है, मुद्रा पूछ ही रहा है। तो बोलीविया फिर बोलीविया की मुद्रा क्या है? बोलीवियानो। देखिए तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? देखिए जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है फ्रेंड्स। आपको बता दूँ जो हमारे पास दे रखे हैं कुमी कावड़ी और कोल्टम जो क्या है लोक नृत्य हैं। देखिए फर्स्ट न्यूज़पेपर जो भारत में प्रकाशित हुआ था अंग्रेजों ने कराया था फ्रेंड्स, वो इंग्लिश में किया था, वो था बंगाल गजट 1780 में किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसने 2022 में राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? मेघालय। नेक्स्ट देखिए केरल की राजभाषा मलयालम। नेक्स्ट रखा है बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी फ्रेंड्स। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस हमारे पास यही खत्म होते हैं। अभी हम आपके लिए बहुत ही जल्द जो करंट टू करंट आपके लिए अब वीडियो प्रोवाइड करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं बहुत ही जल्द आपके लिए SSR जो प्रैक्टिस सेट कराता जाऊंगा और वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप से संबंधित भी आपके लिए वीडियो बहुत ही जल्द प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़, और आप
कम अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।